तो दोस्तों अभी विधायक हाकम खां भी और एक बार फिर से यूनुस का मंत्री जी आज फिर पहुंचे हैं। तो दोस्तों लड़ियार पहुंच चुके हैं और यहां पर चल रहा है मटन बड़े स्तर पर। तो दोस्तों चाय है वो आज स्पेशल चाय, तीन तरीके की चाय बन रही है। एक तो ये जो नॉर्मल चाय है, इसके अलावा एक नींबू की, और तीसरी कौन सी? एक मसालेदार चाय। एक मसालेदार चाय। तो और ये अरमान है, हमारा भतीजा है इमरान भाई, जो इटली रहते हैं उनका लड़का है, और ये खुद भी इटली रहता है। अभी छुट्टी आया हुआ है। कितने दिन की छुट्टी है? तीन महीने का। तो दोस्तों यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं और युद्ध स्तर पर जो कार्य है वो चल रहा है। हर चीज़ है वो फ्रेश और ताज़ा बन रही है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो कल का जो व्लॉग है वो आपने देख लिया होगा। कल आतिफ चाचा के बेटे महराज की शादी थी 28 तारीख को, और कल जो बारात का जो व्लॉग था वो मैंने कंप्लीट YouTube एंड Facebook दोनों पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लें, अभी इमदाद व्लॉग सर्च करें YouTube पे तो मेरा चैनल आएगा। उस चैनल पे जो लास्ट वीडियो है वो वहीं मिलेगी आपकी। और आज है जो है रिसेप्शन का प्रोग्राम है आतिफ चाचा के, और कल हमारे परिवार में और रिजवान चांद ऑफिशियल आप सभी लोग जानते हैं, रिजवान की सिस्टर है, छोटी छोटी रिजवान की सिस्टर की शादी है। तो आज जो तई का प्रोग्राम था तो वहाँ पर बिजी थे। अभी जस्ट मैं यहाँ पर आया हूँ घर पे और नहा धो के रेडी हुआ हूँ। रेडी होने के बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे आतिफ चाचा के घर पे और आपको वहाँ की जो पूरी एक्टिविटी है, आज जो रिसेप्शन का प्रोग्राम है, और धूप बहुत ही ज़्यादा धूप हो चुकी है क्योंकि लगभग 12:30 हो चुके हैं, 12:30। तो अभी चलते हैं आतिफ चाचा के घर पे और वहाँ की जो भी एक्टिविटी है वो आपको दिखाते हैं, फिर चलेंगे हम रिजवान चांद के घर पे वापस और वहाँ का जो भी माहौल रहता है वो आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल घर से निकलते हैं, घर वाले सारे आतिफ चाचा के घर पे पहुँच चुके हैं। तो ये मोबाइल चार्ज लगा रखा है, मोबाइल चार्ज लगाने का भी वक्त नहीं है बिल्कुल भी। तो अब घर पे लॉक लगा देते हैं फिर निकलते हैं। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं टेंट के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजवान भाई आज यहाँ भी सेवा दे रहे हैं पूरी। और यहाँ पर जो खाना पीना चल रहा है, लगभग 2 घंटे से लगातार खाना पीना चालू है। और ये बिल्कुल अदनान भाई हैं, अदनान, फरहान और अबरार भाई। ये यहाँ पर नदीम भाई हैं, मेराज के खाला के बेटे, और साथ में इरफान भाई, काफ़ी बिजी नज़र आते हैं। इरफान भाई को टाइम नहीं है बिल्कुल भी, और ये इतनी एक्टिंग करते हैं जैसे आज पूरा काम का भार है इन्हीं पे। नहीं होते तो ये तो बहुत दिक्कत आ जाती काम में। काम तो यहाँ पर देख सकते हैं खाना चल रहा है, बहुत ही शानदार व्यवस्था, बेहतरीन व्यवस्था एकदम। हाँ, ये यहाँ पर तोफिक चाचा भी हैं, खाने में लगे हुए हैं। ये अरमान है, हमारा भतीजा है इमरान भाई, जो इटली रहते हैं उनका लड़का है, और ये खुद भी इटली रहता है। अभी छुट्टी आया हुआ है। कितने दिन की छुट्टी है? तीन महीने का। वो काफ़ी लंबी छुट्टी है, 1 महीना तो गए। तो कितना आया? स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहा है बिल्कुल। तो कैसा है वहाँ का माहौल, कैसा है? बहुत अच्छा उधर का। बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त। चलो बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर रोटियाँ बन रही हैं और युद्ध स्तर पर जो कार्य है वो चल रहा है। हर चीज़ है वो फ्रेश और ताज़ा बन रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये अपने कोफ्ते हैं वो तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल गर्म और ताज़ा। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो भी खाना है बिल्कुल फ्रेश बन रहा है। और यहाँ पर जो इरफान भाई हैं वो अपने काम में लगे हैं, और ये मंसूर भाई भी, और मंसूर को आप जानते हैं आतिफ चाचा का छोटा छोटा बेटा। और यहाँ पर अभी हमने जो व्यवस्था है वो दूसरी संभाल ली है, और हम इसी व्यवस्था में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बाकी जो मिठाई वाली व्यवस्था हमें कम समझ में आती है। अभी जो गोश्त बनाने का जो काम है वो व्यवस्था पूरी इरफान भाई के पास है, तो अभी उसकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो बेसवा से सरपंच जी हैं शबीर खां, उनके पोते हैं, मेरा भी पोता लगता है कि वो शबीर खां मेरे खाला के बेटे हैं। तो पोता शोएब, उसके अलावा ये भतीजा है अपना सोनू उर्फ अयान, और इसके अलावा एक और भतीजा आसिफ चाचा का बेटा अरमान। और वहाँ पर ये लेडीज़ का टेंट है, और ये बराबर में इसके जो टेंट अपना है ही, और वहाँ पर जो सामने बराबर में एक और है उसमें बैठने बैठने की व्यवस्था है, सीटिंग व्यवस्था, बहुत ही शानदार टेंट आज यहाँ पर लगा है। और ये यहाँ पर सलाद काउंटर है, ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं, अभी दिखा देता हूँ। तो ताज़ा फ्रेश सलाद है वो बिल्कुल यहाँ से तैयार हो रही है, और तैयार होके जो टेबल हैं टेबलों पर पहुँच रही है। और बिल्कुल जो कैटरिंग का काम है, ये सलाद काउंटर जो दिख रहा है पूरा इन्हीं के अंडर में, जाफर सोलंकी रतनगढ़ से हैं, और पिछली जो शादी हुई थी अबरार की उसमें भी इन्होंने ही सेवा दी थी। बहुत ही शानदार व्यवस्था इनकी तरफ से है। तो इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं स्क्रीन पर लगाऊंगा, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी और बेहतरीन रेट में आपको पूरा काम मिलेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं बेसवा के जो खाला के बेटे हैं और ससुराल पक्ष के लोग हैं अपने, सबसे पहले तो साबिर भाई जी हैं और जो इनको मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद में इस्लाम खां हैं, इलियास भाई है खाला का बेटा, आरिफ भाई है,
और वहाँ पर देख सकते हैं शोकू भाई जी बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है, बिल्कुल बिल्कुल सऊदी से छुट्टी आए हुए हैं और गाड़ियों के मामले में इनसे नीचे नीचे गाड़ी चला सकता है कोई भी। और बिल्कुल साबिर भाई जी के बेस्ट फ्रेंड है, बचपन के फ्रेंड है। और उसके अलावा अयूब खान है, आसिफ भाई है, और ये वेटर है सदाम गाँव, दिखाने नहीं दे रहा है तो आगे पीछे हो गया एडजस्ट करते हैं। ये सदाम गाँव है और बाकी जो गाँव से ये मेरा भतीजा समीर हो गया, और उसके अलावा ये वसीम है भतीजा, और साथ में फारिस और आसिफ। और यहाँ पर अर्शद चाचा हैं मुकनगढ़ से, और साथ में तौफीक चाचा हैं खाना खा रहे हैं, और अभी यहाँ पर सद्दाम भाई आबिद भाई जी, और ये देखिए मुबारक खान जयपुर से पहुँचे हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार शख्सियत। जब भी हमारे कोई प्रोग्राम होता है तो बिल्कुल जयपुर से चल के आते हैं और शादी में अटेंड करते हैं, आबिद भाई जी के बहुत ही खास मित्र हैं। तो अभी कुछ रेस्ट फरमा रहे हैं, यहाँ पर सिकंदर भाई भी हैं और इमरान का तो है ही, और साथ में शरीफ भाई जी और आतिफ चाचा हैं। आतिफ चाचा का तो जो लुक है वो हमेशा की तरह बेहतरीन लुक रहता ही है, और बहुत ही हंसमुख चेहरे हैं, अभी भी देख लीजिए कितनी हंसी आ रही है इनको, और इतने बिजी इतने व्यस्त हैं, और लेकिन इनके कोई भी चेहरे में शिकन नहीं है कि भाई आज कोई काम है या है, ऐसे लग रहे हैं किसी दूसरे की शादी में आए हुए हैं खाना खाने आए हुए हैं किसी का, खाना खा के चल जाएंगे। तो अभी शेर खान दादू जी हैं, खाना खा लिया है, और साथ में यूनुस का रोड साहब से अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, और साथ में मकसूद बाबू जी हैं। और ये देख सकते हैं टेंट, क्या बेहतरीन टेंट है वो यहाँ पर लगा हुआ है, हाँ हाँ दिखा रहे हैं काला रंग भी आया यार। तो व्यवस्था है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है जी जी, हाँ भाई बहुत ही अच्छी शानदार व्यवस्था। और ये यहाँ पर जाबिर खान, ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था का ही नतीजा है कि सभी लोगों ने एकदम आराम से खाना खाया है और बहुत जल्दी सभी फारिग हो चुके हैं। तो दोस्तों ये आप सीन है हिंदी में खाली बोल हिंदी बोल। हां तो दोस्तों अभी खाने पर बैठ चुके हैं, और इरफान भाई को साथ में लेना पड़ता है हमें ताकि कोई ओड़वा न दे दे हमें, साथ में आसिफ भाई है और फारिस है, और इससे आप सीन देख सकते हैं, आप सीन तो आज लुक में नज़र आ रहे हैं बेहतरीन में। और सदाम भाई है वो खाने की व्यवस्था हमारे लिए कर रहे हैं वैसे, हालांकि कोई व्यवस्था की जरूरत है नहीं, बंदा खड़ा है ये देख सकते हैं कितना कड़ला हो रहा है बंदा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये हैं अबरार भाई, अभी इनको टाइम मिला है, काफ़ी देर से मैं इनके पीछे लगा हुआ हूँ, और साथ में हैं रमेश भाई अबरार भाई के, या मकसूद बाबू जी बोल लो ड्राइवर हैं, और रमेश भाई काफ़ी काम संभालते हैं हमारा, जितना भी यहाँ शादियों ब्याह में जितने भी जो काम रहते हैं सारे रमेश भाई संभालते हैं। फतेहपुर से SDM साहिबा हैं देवंती राठौड़, जो कि शादी में पहुँची आतिफ चाचा के, और ये हाजी जी यासिन खां जो मुख्य आकर्षण है आज की शादी के, क्योंकि इन्हीं के पोते की शादी है, साथ में ये गोवर्धन ठेकेदार जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये है महराज और रिजवान भाई चांद से वार्तालाप कर रहे हैं, और कल को जो दूल्हे राजा हैं आज इनका जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, और बहुत ही बेहतरीन, हाँ बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बाकी खाने पीने की जो व्यवस्था है वो मैंने पहले ही आपको बताया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चली है। और यहाँ पर आबिद भाई हैं विस्टा एकेडमी के संचालक हैं, और साथ में अब्बास खां चूड़ी मियाँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपना जो आज मेन काम है और हमेशा की तरह गोश्त पर ही रहता है, तो यहाँ पर जो प्याज है कान्ना की कटिंग हो रही है यहाँ पर, और साथ में टमाटर भी काटे हुए हैं, और ये देखिए इमरान भाई को भी आज यहीं पे लगा रखा है, साथ में इरफान भतीजा और ये आरी भाई जी भी हैं। तो अभी गोश्त की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और हम इसी प्रक्रिया पर थोड़ा जोर देते हैं। तो दोस्तों चाय है वो आज स्पेशल चाय, तीन तरीके की चाय बन रही है, एक तो ये जो नॉर्मल चाय है, इसके अलावा एक नींबू की, और तीसरी कौन सी, एक मसालेदार चाय। तो नींबू की चाय है ना वो मंगवा लीजिए अगर आपकी चलती है तो, क्योंकि काफी देर से हम बोल रहे हैं नींबू चाय बात ले सर जी, नींबू की चाय है ना वो पहुंचाइए। और ये देखिए आज ये टोपी है रिजवान भाई, ये क्या है तो बिल्कुल बिल्कुल इतना बड़ा टोपिया है, और सब्जी का तो ऐसा लग रहा है जैसे अजमेर की जो दरगाह है उसका देग है, और बाकी चीजें आपको मैंने दिखाई दी वही सेम चीजें हैं। तो बहुत ही बड़ा मामला है आज का, और साथ में अदनान भाई भी आज
रिजवान भाई चांद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत ही फैशनेबल बॉय हैं। कल भी इनका जो लुक है वो बेहतरीन रहा था। तो गोश्त की जो तैयारियां हैं वो जोरों पे आ चुकी हैं और जो बनाने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बिठाई है और अभी यहाँ पर कुछ लेके आए हैं गोश्त वगैरह। ये देखिए अभी रिजवान भाई चांद है, आज पहली बार आपको दिखेंगे कोई काम करते हुए। मैंने आज तक पहले कभी देखा नहीं है इनको काम करते हुए, बात बनाते हैं केवल, काम के मामले में कभी नहीं देखा है। आज आंसू तो हमेशा करते हैं। और तो साथ में अभी अरबाज भाई भी आए हैं, बहुत ही मठे नज़र आ रहे हैं आजकल काफ़ी दिनों से। और ये देखिए ओके हो गया, बैठ दो काम ला दो बसा। और आज के जो कुक हैं वो बिल्कुल लंगड़ाते हुए आ रहे हैं, जाकिर भाई जी आज के जो कुक रहेंगे और साथ में रिजवान भाई चांद है वो भी आज बिल्कुल हेल्प कराने वाले हैं क्योंकि आज हमारे भी साग पूड़ी का मामला है शाम को घर पे। तो ये देख सकते हैं अल्लाह नूर भी आ गए हैं। आज का जो एक कुक और है छोटा कुक इकबाल भाई, जो कि देख सकते हैं आप एक बार रुतबा घोरा घोरा देख सकते हैं आप इनको। अपना संजू भाई भी है, छोटा भाई संजू निवास चाचा का बेटा, और पकड़ रहे गुस्सा गुस्सो जाओ नहीं फेड़ बढ़िया तेरे पकड़ा। जो चूल्हे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और इरफान भाई की देख रेख में जो दोनों कढ़ाइयाँ हैं वो चढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों ये है इस्लाम खां बगासरा और आज जो टेंट आपको मैंने जो पहले बताया था इतना बेहतरीन जो टेंट है आज पूरा इस्लाम खां की तरफ से है और बहुत ही शानदार टेंट है इनका, कोहिनूर टेंट हाउस के नाम से है। तो आप संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर इनके जो मैंने आपको जो पोस्टर लगाया था उस पोस्टर में मिल जाएंगे। और ये यहाँ पर जो हमारे रिश्तेदार भी हैं तो व्यवस्थाओं में भी लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है खाली टेंट के हिसाब से, बाकी यहाँ की जो व्यवस्था है ये भी देख रहे हैं। और ये जाकिर भाई जी ने बिस्मिल्लाह कर दिया एक कढ़ाई में। और तो दोस्तों अभी विधायक हाकम खां भी और एक बार फिर से यूनुस का मंत्री जी आज फिर पहुँचे हैं। और यहाँ पर प्रधान जी महिपाल नेहरा साहब भी पहुँचे और सुनो क्या है। इसके अलावा हमारे जो सगा जी रशीद खां हैं आदित्य चाचा के पास बैठे हैं दोनों सगा जी। और ये यहाँ पर प्रभु सिंह जी कारंगा भी पहुँचे हैं। हाँ साहब, तो अभी चांद भाई जी ने भी अपना थोड़ा हाथ दिखाया है और साथ में रफीक खां बेसवा है और इरफान भाई अभी छिड़काव में लगे हुए हैं क्योंकि आज इनकी जो जिम्मेदारी है वो दूसरी आ चुकी है, गोश्त से हटके जिम्मेदारी इनको दूसरी मिल चुकी है। और यहाँ पर जो तैयारियाँ चल रही है दोनों तरफ दो कढ़ाई चढ़ी हुई है जान पर। और रो वो भी फाना ओ आए भाई ओ आए जान आई है मैं तो कह रही थी तो 10 ग्राम हुई अरे तो 1 किलो क्या 1 किलो भाई। तो दोस्तों आज के जो कारीगर हैं आप देख सकते हैं, आज तक आपने इतने कारीगर नहीं देखे होंगे क्योंकि अब तक लगभग 28 कारीगर हैं वो लग चुके हैं टोटल इस मटन में। अलग अलग कारीगर चेंज हो गए लग रहे हैं, कभी कौन लग रहा है कभी कौन लग रहा है। तो हाँ ये बिल्कुल इमरान भाई भी हैं और अपने आरिफ चाचा हवलदार जी, ये तो रहते ही हैं ऐसी जगह पर, गोश्त ना होता है और वहाँ पर ये ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और तो लनियारों के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर हमारा फूफी का बेटा बिट्टू, ये देखिए आज लड़ियारों के लिए पता है अभी गोश्त बनने वाला है तो पहले से पूरी तैयारियों में है, बाजू ऊपर चढ़ा लिए हैं पहले से ही। तो दोस्तों लड़ियार पहुंच चुके हैं और यहाँ पर चल रहा है मटन बड़े स्तर पर। आवाज यार बहुत शर्मा रही है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल चालू है, ये अपने आरिफ चाचा हैं और साथ में मुबारक खाने भी आज काफ़ी टाइम दिया है और दूसरे आरिफ चाचा अजर भाई वो लड़ियार आ चुके हैं, खाना चालू हो गया है उनका। तो आपको एक बार दिखा देते हैं व्यवस्था। लड़ियारों के लिए सलाद भी चालू है देख सकते हैं आप। लाइट आ रही को नहीं तो दोस्तों ये है अनस मेरा छोटा भाई है आरिफ चाचा का बेटा, वालेकुम अस्सलाम। और जयपुर में रह के ये पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी क्लास में हो गया? सिक्स्थ में। और स्कूल कौन सी आपकी? सेंटेंसलम। कौन सी? सेंटेंसलम। सेंटेंसलम ये क्या स्कूल है, ये क्या नाम है, मेरे को नाम ही नहीं आता।
और ये अपने चांद भाई हैं। तो अभी आज कब तक रहोगे यहाँ पर? 3 तारीख तक। 3 तारीख तो करो यार, काफ़ी लंबी छुट्टी है फिर तो। दिवाली की छुट्टी हुई है क्या? हाँ चलो मजे करो फिर, एंजॉय करो, घूमो खेलो। तो दोस्तों ये देख सकते हैं अभी एक और कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है और भूख है वो जाकिर भाई जी, एक बार जाकिर भाई जी रहो। और मैं यहाँ पर लगातार जो दोनों कढ़ाई हैं उनको टेस्ट कर करके बता रहा हूँ इनको टेस्ट कैसा है, क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो आज ये इतना तकड़ा टेस्ट नहीं बैठता। वो बराबर इनको टेस्ट कर रहा हूँ। ये जनशेर भाई जी भी हैं, इनको भी देख सकते हो आप। और अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो है इमरान भाई जी।